ये कहानी है भारत के चंद्रयान की, चंद्रयान दो, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। परंतु आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 2019 यानी आज से 4 साल पहले चंद्रयान दो जो चंद्रमा के तल से यानी सरफेस से 2 किलोमीटर पहले उसका संपर्क विक्रम रोवर से टूट चुका था। विक्रम लैंडर डिसेंट वाज एज प्लान्ड एंड द नॉर्मल परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2.1 किलोमीटर। सब्सिक्वेंटली द कम्युनिकेशन फ्रॉम लैंडर टू ग्राउंड स्टेशन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैसेज सुनते ही हम सभी भारतीयों का मन उदास हो गया था और हम कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, 2023 में एक बार फिर से चंद्रयान मिशन, जो कि चंद्रयान 3 के नाम से सक्सेसफुली सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था, जो कि आज यानी कि 22 तारीख आज से एक दिन बाद यानी 23 तारीख शाम के 6:04 पे उसको लैंड करना तय किया गया है। ये आधिकारिक बयान आया है जो इसरो से आया है, ठीक है। और हम पूरे भारतीय इस क्षण के लिए बहुत उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम की तरफ से, उन जैसा कि बागेश्वर बाबा ने जो कहा है। लेकिन मैं उस वीडियो को आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद आपका, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल का जो चंद्रमा पे लैंडिंग होना है उसका लाइव स्ट्रीमिंग हम अपने चैनल पर शुरू करेंगे, उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो बयान जो आया है बागेश्वर धाम से। ये है क्योंकि देखिए, आप चंद्रयान के बारे में जानते होंगे, नाम सुना है थोड़ा थोड़ा। चंद्रयान हमारा भारत, चंद्र भारत क्योंकि अंतरिक्ष के मामले में बहुत आगे ये किसी हमको एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट महापुरुष ने इस पर हमसे कुछ देर चर्चा की थी और भारत शायद चौथा देश बनने जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो यार दोस्तों, अच्छा लगा सुन के कि मतलब संत होने के साथ साथ इनको मतलब हमारे साइंटिफिक नॉलेज भी है, हमारे विज्ञान के बारे में ज्ञान भी है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यही इनको सभी संतों से अलग बनाता है, ठीक है। और उसका एक मिशन चंद्रयान है जो लॉन्च होने जा रहा है जी। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, ये चंद्रयान आपको मिशन पता है, ये दूसरा या तीसरा? ये तीसरा। क्या बात है, क्या बात है, पूछा था टेस्ट सोचते ही क्या मतलब आपको सब कुछ पता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो आप इस चंद्रयान के लिए, क्योंकि दूसरा टेस्ट आपको पता होगा किसी कारण से वो वहाँ तक पहुँचते असफल हो गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए थे और बहुत खर्च हुआ था। फिर वहाँ पर जाकर के शायद 16 मिनट या कुछ पहले तो उससे कनेक्शन रडार छूट गया। नहीं तो इस बार चंद्रयान 3 के लिए कोई शुभकामनाएं? हमारी बालाजी के चरणों से प्रार्थना है, हमारे जी भी लगाएंगे अपनी तरफ से, इस बार सफल होना चाहिए और भारत चौथा देश हो जाएगा। चलिए एक और। तो जैसा कि आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, उनका भी कहना है कि इस बार सफल हो जाएगा, मतलब उनका प्रार्थना है। तो इसके साथ साथ हमारी भी प्रार्थना है महादेव से, चंद्रदेव से, कि इस बार हमारा चंद्रयान सफल हो। तो चलिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं हमारे चंद्रयान 3 के लिए कि सफलतापूर्वक कल यानी कि 23 अगस्त शाम 6:04 पे आप हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर जाए। इसी दुआ के साथ इस वीडियो में मैं इतना ही। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।